हेलो दोस्तों, आज आपके सामने एक हॉट प्लेट जिसको हीटर भी कहा जाता है, ये मेरे पास आया है बनने के लिए। इसका जी क्वाइल यानी कि जो हीटिंग वाला क्वाइल होता है वो ख़राब हो चुका है, मतलब कि क्वाइल उसका फट चुका है, तो उसी को आज चेंज करने वाले हैं। तो दोस्तों, थोड़ा ध्यान पूर्वक ये वीडियो देखें कि किस तरह ये जी क्वाइल सेट किया जा रहा है। सबसे पहले हीटर के बॉडी से क्वाइल को अलग कर लें, जिस तरह इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे क्वाइल को बाहर कर लिया गया। अब इसमें ये आपका जो हम खोल रहे हैं, ये नट खोला जा रहा है। ये क्या होता है कि ये हीटर के बॉडी में फिट बैठाने के लिए ये लगा रहता है। तो दोस्तों, आज इसी विषय पर वीडियो बनाया जा रहा है। एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है आप सब भाइयों को, दोस्तों को, कि देख सकते हैं आप कि ये कहां से ये क्रैक है, देख रहे हैं, ये यहां से क्रैक है। ये कस्टमर मेरे पास लाया तो बोल रहा था कि इसमें करंट आ रहा है, ज़्यादा हीट हो जाने की वजह से ये जो क्वाइल है फट जाता है, और फटने के बाद इसमें करंट आने लगता है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह इसको सीरीज बोर्ड से चेक किया जा रहा है। ये देखिए, एक तार हमने क्वाइल पे दिया, दूसरा जहां फटा हुआ है वहां पे लगा रहे हैं, तो किस तरह ये शॉर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, इसी को पर हमने आज वीडियो बनाया है। ये मार्केट में आपको मिल सकता है, ये ज़्यादा महंगा आता नहीं है, ये लगभग 450 रुपये के रेंज में ये 2000 वाट वाला जी क्वाइल मिलता है। इसको आप मार्केट के खरीद कर आप अपने घर पर भी इसको सेट कर सकते हैं। तो मेरे पास एक नया पड़ा हुआ था, कस्टमर को सेट करना था, ये आप देख रहे हैं कि इसको हम नट बोल्ट जो है लॉक है, ये लॉक ही बोलते हैं इसको। ये बॉडी में आपको कसा जाएगा कि ये क्वाइल उसमें से हिले डुले नहीं। सबसे पहले इसको पुराने वाले में से खोल के निकाल लीजिए और इसको नया वाले में सेट कर लीजिए। देखिए, ये रेडी हो चुका है। तो आप, हाँ, सबसे पहले इसको नया जो है इसको पहले चेक करना पड़ता है कि इसमें कहीं तो बॉडी करंट तो नहीं आ रहा है, नहीं तो लाइन मारने का, झटका देने का समस्या हो जाता है। इसको आप इस बॉडी में लगाना है, आप इसको नीचे से लगाएंगे और इसके ऊपर एक ढक्कन आता है, ये ढक्कन को लगा के इसको सेट कर रहे हैं, ऊपर से नट बोल्ट को टाइट कर दिया जा रहा है कि आप खाना बनाते वक्त कोई भी सामग्री नीचे गिरे नहीं। तो इसको अच्छे से टाइट कर लीजिए, इससे दो फायदा है, एक आप खाना बनाते समय ऊपर से दाल चावल नीचे आपका गिरेगा नहीं, जो भी रहेगा इस प्लेट में रह जाएगा, और दूसरा ये बॉडी में टाइट हो जाएगा। इसमें दो पॉइंट होता है, पहला हाई और दूसरा लो,
तो आप देख रहे हैं कि पहले वाला जो होता है ये प्लस यानी कि गर्म लाइन देना पड़ता है, इसको गर्म एक पॉइंट में एक तार रहेगा और फिर उसके बाद मीडियम वाला तार जोड़ा जाएगा। ये स्विच से निकला हुआ होता है। दूसरा स्क्रू कस लेने के बाद फिर तीसरा वाला जो वायर है जो स्विच से निकल के आ रहा है इसको लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये तीनों जो स्क्रू तार है जो स्विच से आ रहा है यहाँ, ये आप देख लीजिए। इसका वीडियो हम एक बार और बनाएंगे आपको नया वीडियो किस तरह वायरिंग किया जाता है कि आपको समझने में आसानी रहे। ये हमने नीचे से अंदर से इसको फिट कर दिया। अब पारी आते ही है नीचे का पैनल लगाने का। तो इसको आप ढक्कन रखने पैनल रखने के बाद चारों तरफ इसको ये घोड़ा से आपको इसको कस दीजिए। ये आपका जी हीटर या हॉट प्लेट सेफ हो जाए। अब ये देखिए पुराने वाले को हटाकर हमने नया वाला फिट कर दिया। अब इसको हम इसको लाइन दिया जाएगा वायर के माध्यम से कि चेक कर लिया जाए कि ये जो कनेक्शन हुआ है सही हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले बॉडी करंट चेक किया जाता है कि ऐसा ना हो कहीं भूल बस तार जोड़ने में इधर उधर कहीं बॉडी करंट ना आ जाए, ये समस्या रहती है। तो सबसे पहले इसका बॉडी करंट चेक किया जाए। ये आपका बॉडी करंट इसमें नहीं आ रहा है। ये पहला स्टेप है कि ये आपका बॉडी करंट से मुक्त हो गया। अब इसको पावर दिया जा रहा है। पावर देने के बाद आप देख सकते हैं कि ये किस तरह क्वाइल ये आपका लाइन ये आपका बिजली नहीं आ रहा है, बॉडी करंट नहीं आ रहा है। इसको चेक करने के लिए क्वाइल पे थोड़ा सा ऑयल दिए कि चेक हो जाए कि हाँ ये गर्म हो रहा है कि नहीं गर्म हो रहा है। तो दोस्तों आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हम वीडियो बना के आपको पेश करते रहेंगे। आप टेक्निकल शॉप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये आप देख सकते हैं कि ये हॉट प्लेट यानी कि जी क्वाइल पूरी तरह सुरक्षित और रेडी हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें से धुआं निकलने लगा है।